हेलो एंड वेलकम बैक एस आर पी एस ऑनलाइन स्टडी। हाई, आई एम धीरेन्द्र, योर कंप्यूटर टीचर। यू नो दैट दिस वीडियो फॉर क्लास 7 एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 2। एंड इन प्रीवियस क्लास वी विल लर्न, वी हैज लर्न फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 2। दिस वीडियो इन दिस वीडियो वनली एंड ओनली लैब पार्ट। इन प्रीवियस क्लास वी विल डिस्कस द थ्योरी विथ लैब, बट इन दिस वीडियो वी विल लर्न ओनली एंड ओनली लैब पार्ट। सो माई डियर सेवन स्टूडेंट्स, क्लास सेवन स्टूडेंट्स, लेट्स सी थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 2। दिस इज द लैब पार्ट। सी, इन चैप्टर 2 डिफरेंट डिफरेंट टैग्स, इंट्रोडक्शन टू HTML, इन इंट्रोडक्शन टू HTML वी हैज लर्न व्हाट इज HTML, HTML टैग्स, एलिमेंट्स, HTML स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट्स का स्ट्रक्चर, एंड गेट स्टार्ट। Now, next one is paragraph formatting text. So, today we will learn the how to start and how to getting a start a HTML page, HTML documents, and what is formatting paragraph. See. Two methods. There are two methods to open the HTML pages. Like first of all, this is the HTML page. Right click, open with any browser, Firefox or Google Chrome, Internet Explorer, etc. Or open any browser like Internet Explorer. See, just a minute. See, अगर आप ओपन करते हैं किसी भी ब्राउजर को तो आपको यहाँ देखिए लिख रहा है देयर इज नो कनेक्शन टू द नेटवर्क, हमारे पास इंटरनेट नहीं है इसीलिए यहाँ कोई भी पेज ओपन नहीं है, आप चेक कीजिए नेटवर्क को। तो हम क्या करेंगे, अपने फाइल को इस ब्राउज़र में ओपन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि HTML डॉक्यूमेंट्स हमारा ओपन होता है किसी न किसी एक ब्राउज़र में, किसी न किसी ब्राउज़र में, ये हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो हम ऑल्ट एफ करेंगे, ऑल्ट एफ ओपन करेंगे, यहाँ फाइल चूज करना है आपको कि आपका रखा हुआ फाइल कहाँ है, ब्राउज करेंगे और आपका जहाँ फाइल रखा हुआ है उसको क्या करेंगे, ढूंढेंगे। डेस्कटॉप पे मेरा है, देखिए ये है कमेंट्स नाम का, फर्स्ट पेज नाम का, फॉर्म नाम का, टेस्ट नाम का। तो हम पिछले क्लास में एक फॉर्म हमने 8 क्लास का बनाया था, या फिर फर्स्ट पेज भी बनाया था, कमेंट्स भी बनाया था। तो हम एक फॉर्म देख लेते हैं या फर्स्ट पेज देख लेते हैं, ओपन करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। सी, वेलकम टू SRPS आ गया है। हाँ, एक ये मेथड है हमारा किसी भी HTML फाइल का ओपन करने का। दूसरा, जहाँ हमारा फाइल है, लाइक यहाँ हमारा कमेंट्स नाम से है, फॉर्म नाम से है, कमेंट्स नाम से है, तो ये फाइल हमारा है तो यहाँ हम फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद, हम जिस ब्राउज़र में हमें ओपन करना है, चाहे वो मोजिला फायरफॉक्स हो, गूगल क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, किसी भी फाइल में हम ओपन कर सकते हैं। सी, जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा अभी ब्राउज़र ओपन होगा और ये फाइल हमारा खुल जाएगा। सी,
देखिए, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टूडेंट, मेल, फीमेल, है ना, तो ये पेज हमारा ओपन हो जाएगा। तो ये दो मेथड है हमारा, आपके जो बुक में दिए हुए हैं वो हमारा गेटिंग स्टार्ट और ओपन करने का मेथड, वो हमारा है सेकेंड मेथड। लाइक सी, जस्ट अ मिनट, सी ये नेस्टेड एलिमेंट हम बता चुके हैं, और देयर आफ्टर HTML एडिटर जो हमारा नोटपैड है, और पेज नंबर 17, सी पेज नंबर 17 में है कि हम कैसे किसी भी फाइल को ओपन करेंगे। ये हमारा लंबा चौड़ा बहुत बड़ा मेथड दिया हुआ है, इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यहाँ मैंने अभी जितना स्टेप बताया सभी स्टेप इसमें इंक्लूडेड है, बट हमें ओपन करने का मेथड बहुत ही आसान हमारे पास है। जो मैंने आपको दो मेथड बताया, दोनों में से कोई भी मेथड आप देख सकते हैं, है ना, 9 मेथड दिए हुए हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को गेट स्टार्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए। तो ये हमारा 2-3 पेज में दिया हुआ है, बट इसे बहुत ही आसानी से हम लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे, इस फाइल पे ओपन विथ में जाएंगे, किसी भी ब्राउज़र में जो हमें ब्राउज़र अच्छा लगे उसमें ओपन कर लेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वन इज सम टैग्स। कुछ टैग्स हैं हमारे पास जिसका अभी हम लोग यूज करेंगे, लाइक पैराग्राफ टैग, सी टर्न पेज नंबर 18 में है हमारा पैराग्राफ टैग यानी पी टैग, सी फॉर्मेटिंग पैराग्राफ। पैराग्राफ अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं, एक पैराग्राफ अपने डॉक्यूमेंट्स में, HTML के डॉक्यूमेंट्स में, तो यहाँ देखिए पी टैग है। अब इस पी टैग में कैसे हम पी टैग को लगाएंगे और पी टैग में अलाइनमेंट कैसे सेट करेंगे, यानी हम जो पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं वो हमारे पेज के लेफ्ट साइड से होना चाहिए या राइट साइड से या बीच से, उस चीज़ को आज लैब में हम लोग देखेंगे। सी एक सबसे पहले हम आपको पता है कि HTML का जो डॉक्यूमेंट्स है हम जो क्रिएट करते हैं वो किस में करते हैं, नोटपैड में, एक एडिटर में, वर्ड एडिटर में। अब देखिए, तो हम अपने डेस्कटॉप पे या अपने किसी फोल्डर में राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, इस फाइल का नाम टाइप कर देंगे लाइक पी टैग, हम पैराग्राफ टैग देखने जा रहे हैं, ओपन करेंगे, और इस पी टैग में हम एक पैराग्राफ, तो जो बेसिक टैग्स है HTML हेड, टाइटल, टाइटल में है पी टैग, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, है ना। अब हमारा बॉडी पार्ट स्टार्ट होगा, बॉडी आप अच्छा है तो बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, बीजी कलर इज इक्वल टू पिंक, डबल कोट में पिंक। ओके, अब देखिए जो मेरा मेन पार्ट है वो बॉडी का, बॉडी के अंदर होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो HTML का बेसिक टैग है, उस HTML के बेसिक टैग में ये हमारा बॉडी यहाँ क्लोज हो जाएगा और लास्टली हमारा क्या होगा, HTML क्लोज होगा। तो बॉडी टैग में हम जो भी कुछ लिखेंगे वो हमारा पेज पे डिस्प्ले करेगा। तो हमें करना है पैराग्राफ टैग यूज़ करना है, तो सपोज हमें कंप्यूटर के बारे में या किसी चीज़ के बारे में एक पैराग्राफ हमको लिखना है, तो लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ पी टैग। अब इस पी टैग में हम क्या लिखेंगे वो देखना है, तो पी टैग में लिखेंगे सबसे पहले
सपोज क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में, और आंसर है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम यूजर कॉमा प्रोसेस डाटा एंड गिव्स इंफॉर्मेशन विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी, है ना। तो ये हमारा हुआ, कंप्यूटर को हम यहाँ डिफाइन कर दिए एक पैराग्राफ में। अब हम पैराग्राफ को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा एक पैराग्राफ हुआ। अब इसको हम सेव करते हैं, फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे। अब ये पी टैग डॉट एच टी एम एल नाम से सेव कर देंगे, क्योंकि हमारा जो भी फाइल है वो जब भी हम इसे सेव करेंगे तो डॉट एच टी एम एल नाम से सेव करेंगे। पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था कि हम नोटपैड में जो भी एच टी एम एल का फाइल बनाएंगे, जब उसे हम सेव करेंगे तो फाइल के नाम के साथ डॉट एच टी एम एल लिखेंगे और साथ ही साथ सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब इसको मिनिमाइज करते हैं। यहाँ आ गया पी टैग नाम से, ओपन विथ, किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ आ गया, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज कंप्यूटर, आंसर है हमारा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन एंड दिस 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 दिस, है ना। सॉरी बहुत गर्मी है, लाइट नहीं है, फैन नहीं चल रहा है, ओके। एनीवे, तो इसमें क्या है, हमारा एक पैराग्राफ हमने यहाँ देखा कि एक पैराग्राफ हमारा इस पेज पे लिखा हुआ है। अब देखिए दूसरी चीज़ है कि ये पैराग्राफ जो है, हम चाहते हैं एक और पैराग्राफ। सेकेंड वन इज़ कि हमारा जो अभी आउटपुट आया वो हमारा एक ही लाइन में है और हम इसे चाहते हैं दूसरे लाइन में। सपोज व्हाट इज़ कंप्यूटर के बाद हम लाइन चेंज करना चाहते हैं, तो हमारे पास बी आर टैग है जो लाइन को ब्रेक कर देता है। स्पेस देंगे और एक टैग लगाएंगे बी आर, इसे क्या होगा, व्हाट इज़ कंप्यूटर के बाद ये लाइन चेंज होकर ये आएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, सेव एज पी टैग डॉट एच टी एम एल रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पेज पे आके रीलोड करेंगे। देखिए व्हाट इज कंप्यूटर के बाद हमारा क्या है, आंसर नीचे वाला भाग में चला गया ना। अब देखिए, अब ये हो गया हमारा एक पैराग्राफ। हम अगर चाहें तो बीच से भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसका, है ना, लेकिन उतना नहीं करना है। सेकेंड पैराग्राफ देखिए, ये पैराग्राफ हो गया, हम चाहेंगे तो सेकेंड पैराग्राफ भी हमारा क्या हो, बने। जैसे सॉरी, एक और पी स्टार्ट करते हैं, इसमें लिखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, अबाउट व्हाट इज HTML, HTML क्या है। यहाँ लाइन हमें ब्रेक करना है, बी आर टैग लगाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे आंसर में लिखेंगे HTML stands for hyper
टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विथ द हेल्प ऑफ HTML we can create a web pages, comma websites and web application. ओके अब देखिए सेकेंड पैराग्राफ हमारा हो गया. अब सेकेंड पैराग्राफ को हम यहां क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, क्लोज पी टैग. दो पैराग्राफ हमने लिखा. अब देखिए अब फिर से इसे सेव एज करते हैं. फाइल का नाम .html से रिप्लेस करेंगे. अब फिर से यहाँ चेक करेंगे. देखिए एक पैराग्राफ यहाँ आपको क्लियर पता चल रहा है कि हमारा ये एक पैराग्राफ है सी. ये हमारा क्या है, सॉरी, ये हमारा एक पैराग्राफ है और ये हमारा दूसरा पैराग्राफ है. अब हम चाहते हैं कि ये हमारे पेज के डिफरेंट थोड़ा सा, हम चाहते हैं ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ लेफ्ट साइड रहे, लेफ्ट साइड से पेज के स्टार्ट हो, और जो सेकंड पैराग्राफ है वो राइट साइड से स्टार्ट हो, सी. इसको कहते हैं पैराग्राफ अलाइनमेंट. तो हमने अभी जो पैराग्राफ बनाया है, लिखा है, चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि पूरा का पूरा हमें दिख सके. देखिए फर्स्ट पैराग्राफ ये है हमारा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. सॉरी बहुत गर्मी है. ओके सी ये पैराग्राफ है. अब इस पैराग्राफ में हम अलाइन सेट करेंगे, तो पी टैग हमारा जो लगा हुआ है इसमें स्पेस देंगे, लिखेंगे अलाइन इज इक्वल टू, ये हमारा रहेगा राइट साइड से. ओके अब चेक करते हैं, सेव एज पी टैग डॉट HTML रिप्लेस सी रिलोड. अब देखिए ये हमारा ऊपर का जो पैराग्राफ था, ये देखिए राइट साइड से हमारा क्या हो गया, ये शो कर रहा है ना, और नीचे का बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट का लेफ्ट ही रह गया. ओके अब हम चाहते हैं कि ये हमारा सेकेंड का अलाइनमेंट क्या हो, सेंटर हो. अलाइन इज इक्वल टू डबल कोट सेंटर, सेव करते हैं, डॉट HTML में रिप्लेस करते हैं, आते हैं ब्राउज़र में, रीलोड करते हैं. अब ये देखिए सेकेंड पैराग्राफ हमारा कहाँ हो गया, सेंटर से हो गया ना. अब फिर से हम सभी को सेंटर कर देते हैं, इसको भी सेंटर, सेव एज डॉट HTML यस. ओके सी अब हमारा दो जो भी पैराग्राफ है, ये दोनों का दोनों पैराग्राफ हमारा कहाँ से है, सेंटर से है. सी दिस पैराग्राफ एंड दिस पैराग्राफ, बोथ पैराग्राफ हमारा जो है कहाँ है, सेंटर अलाइनमेंट में है, पेज के बीचों बीच है. तो आज हम लोगों ने देखा कि पी टैग यानी पैराग्राफ टैग हमारा क्या होता है, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, एंड इस पैराग्राफ में लेफ्ट राइट एंड सेंटर कैसे करते हैं. इतना समझ में आ रहा है, आज के लिए इतना ही. हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टैग को देखेंगे. ओके.